साल 2014 और चुनावी क्षेत्र था छत्तीसगढ़ और वहां की महासमुंद सीट। उस समय लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद ही पार्टियों ने नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकालना भी शुरू कर दी थी। और महासमुंद सीट से भी किस पार्टी का कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा उसकी लिस्ट भी सामने आ गई। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे थे चंदूलाल साहू। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने आया, ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लिस्ट में 10 उम्मीदवार और थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, यानी निर्दलीय थे, और 10 के 10 का नाम था चंदूलाल साहू। किसी ने पंचायत में पंच के लिए पहले चुनाव लड़ा हुआ था, तो कोई अपने बेटे की हत्या का इंसाफ पाने के लिए चुनाव लड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वोटर्स इसलिए भौचक्का रह गए थे क्योंकि चंदू साहू के नाम के 11 उम्मीदवार थे। अब बेचारा वोटर भी सोच में पड़ जाएगा कि आखिर इसमें से वो चंदू कौन है जिसे हम वोट देना चाहते हैं। खैर, इसी चुनावी किस्से के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तो छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से 11 चंदू और एक अजीत जोगी एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे। 10 निर्दलीय चंदू थे और एक भाजपा का उम्मीदवार चंदू। 10 चंदुओं के अतरंगी चुनाव चिन्ह थे, बैट, ब्रेड, गुब्बारा, रिक्शा, पंखा और भी कई। इसके बाद भाजपा के अधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत जोगी पर यह आरोप लगाया कि सबके पीछे इनका ही हाथ है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वोट बट जाए। भाजपा ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी और उनकी मांग ये थी कि इन 10 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से बेदखल कर दिया जाए। खास बात ये भी थी कि चंदू नाम के इन उम्मीदवारों का नामांकन भी उसी ही दिन हुआ था जब कांग्रेस के नेता अजीत जोगी ने पर्चा भरा था, और नामांकन के दिन के बाद से ही वो सब लापता थे। एक ही सीरीज के नोट जमानत राशि के तौर पर जमा कराए गए थे, तो जाहिर सी बात थी कि दाल में कुछ तो काला जरूर था। विधायकों ने ये भी आरोप लगाया था कि जोगी चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, और इस मामले में भी जाहिर है कि बीजेपी प्रत्याशी चंदूलाल साहू को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था। दरअसल महासमुंद में ट्राइबल बेल्ट भी है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इस कदम से उन लोगों को भ्रमित करने का ज्यादा मकसद था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों पर यह हथकंडे नहीं चल पाए थे। अब आपको उन चुनावों के नतीजे भी बता देते हैं जिसमें इतना खेल हुआ था। इन सभी 10 निर्दलीय चंदू साहू को कुल मिलाकर 67,208 वोट मिले, फिर भी कांग्रेस के अजीत जोगी बीजेपी के चंदूलाल साहू से लगभग 1,000 वोटों से चुनाव हार गए। बीजेपी के चंदूलाल साहू को 487,852 वोट मिले, जबकि अजीत जोगी को 486,864। अब कहने को क्या ही रह जाता था। कुछ ऐसा ही किस्सा राष्ट्रीय राजधानी की वेस्ट दिल्ली सीट पर भी देखने को मिला था। यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चरनेल सिंह मैदान में थे, जबकि इसी नाम के दो और कैंडिडेट भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। एक निर्दलीय जरनेल सिंह को 5,960 वोट मिले, जबकि दूसरे निर्दलीय जरनेल सिंह को 84,722, और वो चौथे नंबर पर रहा। गौरतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जरनेल सिंह यहाँ बीजेपी के प्रवेश वर्मा के हाथों काफी ज्यादा वोटों से हारे थे। खैर, आपका इस चुनावी किस्से पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।